अट्रैक्शन हुआ है बाबर से, आपकी टीम चेंज है, तो बाबर का जो फैन क्लब है वो समझता है आप शायद दोस्ती हो गई आपकी, तो बाबर के साथ कैसा ताल्लुक है? और अभी वो सेकंड जो सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बने हैं, तो लोगों का ये भी शिकवा है कि आप इंडियन प्लेयर्स का के लिए तो ट्वीट करते हैं लेकिन बाबर के लिए कोई ट्वीट नहीं करते, तो आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा था? देखिए, बाबर के साथ कोई मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं है, और हम एक साथ क्रिकेट खेले हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन रहा भी है। और लेकिन जैसे आपने लास्ट इनिंग की बात की है, बिल्कुल जो उसने लास्ट पे 100 किया, जो लास्ट टू ओवर्स बाबर खेला था, आई थिंक जो उसकी शॉट्स थी, मैं हमेशा कहता था कि उसको अपने कम्फर्ट से बाहर आके खेलना चाहिए, और आई थिंक दैट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के जो उसने शॉट्स डिवेलप किए, और ये एक अच्छी चीज़ थी। और मैं हमेशा अपना ओपिनियन रखता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो बिल्कुल कहता हूँ, मुझे लग रहा होता है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए सही हो सकता है, मैं वही करता हूँ कि मेरा किसी से जाती तो है नहीं है, और एज अ क्रिकेटर मेरा ओपिनियन होता है जो मुझे समझ आ रही होती है, एज अ क्रिकेटिंग माइंड सेट से मैं वही ओपिनियन देता हूँ। और आई होप कि वो इसी तरह जिस तरह वो लास्ट इनिंग खेलें, अगर पाकिस्तान टीम में भी ऐसे खेले तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। बात क्या नाम है आपका यार, मैं भूल गया, जिशान, आपका जो PSL की प्रोडक्ट्स हैं वो आके आगे खेलती हैं, लेकिन हमने देखा कि उनके साथ फिटनेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इंडिया में अगर हम देखें तो उनके डोमेस्टिक सब कुछ आ रहा है, आपको अभी भी कहा जा रहा है कि यू आर बेस्ट इन फॉर्म, तो आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि अगर आपको कॉल आती है पाकिस्तान के? नहीं, अभी तो ऑनेस्टली अभी कोई प्लान है, अभी तो मेरा सिर्फ जो फोकस है, मैं PSL खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो टूर्नामेंट खेल रहा होता हूँ मेरा उसी पे फोकस होता है, आगे की क्या होता है इंसान तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन मेरा अभी फोकस ये है कि PSL चल रहा है, अच्छा करें क्वेटा के लिए, अच्छा करें, क्योंकि नदीम भाई ने ये बड़े इस दफ़ा बड़े पैशन के साथ ये टीम बनाई कि ये टीम कुछ करे, प्ले ऑफ खेले, फाइनल खेले, अभी सारा फोकस ये है कि ये टीम जो क्वेटा है वो बहुत अच्छा करे फाइनल तक। बदी भाई, अच्छा आमिर भाई, ज़्यादातर हम फास्ट बॉलर जितने भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर कुछ 4-5-6-8 मैचेस के बाद जो है वो बड़ा इनफिट हो रहे हैं, कोई ऐसा मशवरा उनको देंगे कि उनको किस तरह की बॉल करनी चाहिए? सब स्पीड पर जोर लगा रहे हैं, कोई स्विंग या इस पर जो है तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सिर्फ PSL नहीं होना चाहिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के यंग लड़के अगर 4-day क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मेरा और कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान टीम में आए, नसीम वगैरह हो गए, हम वो लड़के हैं जो प्रॉपर एक फ़र्स्ट क्लास के सिस्टम से आए थे, अभी मतलब PSL के किसी एक स्पेल या एक इनिंग पे नहीं आए थे, जब तक ये यंग बच्चे 4-day क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, तो उनकी बॉडी रेडी नहीं होगी, जहां भी वो एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे तो वो इंजरी की प्रॉब्लम्स आएंगी। इमरान, देखिए मेरा तो एडवाइस यही है कि देखिए क्रिकेट में ये टाइम आता है, और ये हर बैट्समैन पे हर बॉलर पे आता है कि एक टाइम आता है कि आप चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन नहीं हो रही होती, कई दफ़ा होता है कि आपको मेंटल ब्रेक चाहिए होती है क्रिकेट से, आप अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, बैठ के रियलाइज़ करते हैं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, क्योंकि आप कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते रहते हैं आपको पता नहीं चलता, आपकी बॉडी थकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उस रिदम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप मेंटली फ्रेश होते हैं, आपकी वो चीज़ें दोबारा ठीक हो जाती है। अतीक भाई, आमिर आपने बात की कि यंगस्टर को रेड बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के बहुत से खिलाड़ी अब वो रेड बॉल की जगह वाइट बॉल को तरजीह दे रहे हैं और कहते हैं हम रेड बॉल नहीं खेलना चाहते, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी यंगस्टर की, वो ये कहते हैं कि रेड बॉल में 5 दिन की क्रिकेट इतना रगड़ा, पैसा नहीं, वाइट बॉल 4 ओवर मुख्तसर एक दिन में ख़त्म, ज़्यादा पैसे, तो आप समझते हैं कि रेड बॉल की क्रिकेट को आप अगर फोकियत देना चाहते हैं तो उसके पैसे भी ज़्यादा बढ़े ताकि यंगस्टर जो है ये चीज़ जो गैप आ रहा कम। बिल्कुल, आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि इसमें PCB को जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आप देखिए आप जितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देंगे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, 4-day क्रिकेट में आप पैसा लेके आएंगे तो लोगों की जो प्रायोरिटी है वो 4-day क्रिकेट की तरफ आएगी, वाई नॉट, क्योंकि आप देखें ये एक फैक्ट है, लोगों को पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे कि जो हमारे कंट्री के हालात हैं तो हर बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए पैसे तो चाहिए ना, उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अगर उसने अपनी फिटनेस पे काम करना है, उसने ट्रेनर्स रखने हैं, उसने अपनी डाइट सही रखनी है, तो उसको पैसे तो चाहिए ना, वो रास्ते में से तो नहीं आएंगे, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों पे, और अगर आप वो क्राइटेरिया बनाएंगे फिर उस हिसाब से आप बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे तो आई थिंक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी अच्छी होती जाएगी और आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है। अच्छा,
नहीं देखिए, ये हमेशा 8 साल बड़ा टाइम होता है, और सैफी भाई अभी भी अगर आप देखें तो उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, और वो हर जो मशवरा लेना होता है रायली ने कप्तान ने वो सैफी भाई से ज़रूर डिस्कस करता है। और देखिए, ये कप्तान होना ना होना ये बात की बातें होती है, टीम मैन जो होती है ना चीज़ वो पहले होती है, और सैफी भाई को यही क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह लड़कों की हेल्प कर रहे हैं, साथ जिस तरह इनपुट दे रहे हैं, आई थिंक यही उनके लिए और हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल चीज़ है कि टीम का जो माहौल है वो खुशगवार है। मुजम्मिल,